हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ आकाश। आज हम बात करने वाले हैं 2022 में मारुति सुजुकी ने एस्प्रेसो को लॉन्च किया है, जो इसका नया फेस लिफ्ट लॉन्च किया है। मारुति सुजुकी ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे कलर्स के साथ किए गए हैं और उसकी शुरुआती कीमत 4,25,000 रुपये बताई जा रही है। मारुति कंपनी ने इसको मार्केट में बाज़ार में 4 वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है। फर्स्ट वाला आपको स्टैंडर्ड VXi एंड VXi प्लस LXi वेरिएंट में ये आपको मिलने वाली है और इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 5,99,000 रुपये रखी गई है। 2,00,000 प्लस सेलिंग हो चुके हैं। आपको ये गाड़ी कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। प्रेजेंट टाइम में मारुति सुजुकी ने एस्प्रेसो में CNG ऑप्शंस नहीं दिए हैं, जबकि पहले ही जब लॉन्च की गई थी 3 साल या 4 साल पहले लॉन्च हुई थी, तो उस टाइम में मारुति सुजुकी ने CNG में 4 ऑप्शंस अवेलेबल कराए थे और कुछ वेरिएंट्स ऑलरेडी खुद ही बंद कर दिए थे। कीमत की बात की जाए तो पुराने मॉडल के मुताबिक इसका जो नया वेरियंट है उसकी कीमत 70,000 से 71,000 रुपये ज़्यादा रखी गई है। इसमें आपको 2020 मॉडल के अंदर आपको कुछ चेंजेस, बिग चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं। कंपनी ने इसको कुछ बातों का खास ख्याल रखते हुए हेड एंड स्टार्ट स्टॉप का फीचर दिया हुआ है, जिसकी वजह से इसका जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है उसमें आपका माइलेज जो रहेगा वो आपको 17% बढ़ोतरी में देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि ऑटोमेटिक का माइलेज 17% बढ़ जाता है। अगर हम माइलेज की बात करें तो मारुति एस्प्रेसो का जो VXi प्लस ऑप्शनल और VXi प्लस ऑप्शनल EGH का जो वेरिएंट है वो आपको 25.3 का माइलेज निकाल के दे देता है। अगर आपको भाई हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी, ठीक है भाई। क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे थोड़ा मोटिवेशनल लगेगा, हमें सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं हमें तो ज़्यादा और मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करना अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे आपको। तो आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ORVMs मिल जाते हैं, 2 एयरबैग्स मिलते हैं, ABS के साथ ही BD मिल जाता है और आपको फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर मिलता है और इसमें आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर भी देखने को मिल जाता है। अगर हम इसके इंजन की बात करें, इसमें आपको 1 लीटर ई सीरीज़ का इंजन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आपको 65 VHP की पावर और 89 Nm का टॉर्क निकाल कर देता है। इसमें आपको 7-inch डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, कंट्रोल के साथ स्मार्ट प्ले और इसमें आपको ट्विन शेपर हेडलाइट के साथ 11 से ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। अगर हम ब्रेकिंग की बात करते हैं तो फ्रंट में इसके आपको डिस्क ब्रेक और पीछे वाले में आपको इसके ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं। और अगर हम इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी लीटर की बात करें तो इसमें 27 लीटर का फ्यूल टैंक इसके अंदर आपको मिल जाता है। अगर हम व्हील साइज़ के बारे में बात करें तो इसमें आपको 14 इंचज़ व्हील मिल जाते हैं देखने के लिए। तो हमारी कुछ वीडियो में इतना ही था। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़ा सा सपोर्ट कर देना और अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।